मुरादाबाद का दूध बेचने वाला पॉन्टी अब काफी बड़ा हो गया था। पॉन्टी ने अपने बिजनेस का हेडक्वार्टर दिल्ली बनाया और उन्होंने अब तक बिखरे हुए व्यापार को संभालना शुरू किया। दिल्ली के बाहरी इलाके में उन्होंने फार्म हाउसेस खरीदे। तीनों भाई एक साथ दिल्ली के छतरपुर में बने 48 नंबर फार्म हाउस में रहने लगे, सभी परिवार एक साथ। पॉन्टी को अपने भाइयों से बहुत प्यार था, ऐसा कहते हुए हमें कई लोग मिले। बात 1980 के दशक की है। हिंदुस्तान में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। पॉन्टी के छोटे भाई तब के मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में कागज की फैक्ट्री चलाते थे। आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। अपने छोटे भाई को छुड़ाने के लिए पॉन्टी ने पूरा जोर लगा दिया। पॉन्टी कई रातों तक सोए नहीं, लेकिन जब उनके छोटे भाई हरदीप उनकी चुंगल से निकलकर बाहर आ गए तब पॉन्टी को चैन मिला। जिसने काम मांगा उसे काम दिया, जिसने धन मांगा उसने धन दिया, जिसने अन्न मांगा उसे अन्न दिया। इसका मैं बिजनेस खुद हूं। अब पॉन्टी का बेटा मॉन्टी भी बड़ा हो गया था। पॉन्टी के परिवार में दो बेटियां और बेटा है। दोनों बेटियों की शादी पॉन्टी ने दुबई में कर दी। बताते हैं वो अक्सर दुबई जाते रहते थे। कहा जाता है कि वहां पॉम जुमेरा में एक आइलैंड अपने रहने के लिए खरीदा था। पॉन्टी धीरे धीरे अपने बेटे मॉन्टी को कारोबार का गौर सिखाने लगे। मॉन्टी के बिजनेस में एंट्री हुई तो पॉन्टी के कारोबार को एक नया नाम मिला, वेब इंक। और अस्त व्यस्त तरीके से चलने वाला व्यापार अब कारपोरेट स्टाइल में चलने लगा। इतना बड़ा जो एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ है, कोई यूं ही नहीं हुआ। पॉन्टी जी, ये होगा कैसे? मुझे घाटे से सख्त नफरत है। पॉन्टी सिर्फ बढ़ता है, मेरे डिक्शनरी में घटाना नहीं, मैं सिर्फ जोड़ता हूँ। इस इरादे से पॉन्टी और मॉन्टी ने अपनी नई विकास गाथा 2005 से लिखनी शुरू की। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। पॉन्टी की कंपनी ने गोमती नगर में लखनऊ का पहला मल्टीप्लेक्स बनाया। गोमती नगर में ही वेब इंक को 18 एकड़ का प्लॉट मिला ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए। मुलायम सरकार के दौरान ही पॉन्टी चड्ढा को यूपी के बच्चों को पोषक खाने की सप्लाई का बहुत बड़ा ठेका मिला। पर पॉन्टी ने जो सबसे बड़ी छलांग इस दौरान मारी वो थी गाजियाबाद में हाईटेक सिटी बनाने के लिए 4,800 एकड़ जमीन मिलना। ये उस समय देश का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था। जब मुलायम सरकार की मेहरबानियां पॉन्टी चड्ढा के बिजनेस को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा रही थी, तभी यूपी में एक बड़ा फेरबदल हो गया। 2007 में यूपी की सत्ता मायावती के हाथ आ गई और लगा कि पॉन्टी की रफ्तार अब रुक जाएगी, लेकिन पॉन्टी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वो मायावती सरकार के करीबियों में गिने जाने लगे। माया सरकार के वक्त पॉन्टी की वेब इंक का रंग और चटकने लगा। यूपी के शराब कारोबार में पॉन्टी का अकेला झंडा फहराने लगा। प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी की वसूली का ठेका भी पॉन्टी की कंपनी के नाम हो गया। प्रदेश का सबसे बड़ा शराब कारोबारी अब शराब से हो रही सरकारी कमाई भी खजाने तक पहुंचा रहा था। साथ में जब मायावती गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मायावती गवर्नमेंट में बहुत तेज अग्रसर हुए। पॉन्टी चड्ढा जो है स्वयं जो है तेज दिमाग, नेताओं से कोलिशन, ब्यूरोक्रेट से कोलिशन करके ये इन्होंने जो है 2009 में सारे अपने डिस्ट्रिक्ट में FL2 खोल लिए। शराब के कारोबार में मिल रहे भारी पैसे का इस्तेमाल पॉन्टी ने रियल एस्टेट में किया। नोएडा के सेक्टर 32 और 25 ए में उन्हें 160 एकड़ जमीन मिली, जिस पर वेब सिटी सेंटर प्रोजेक्ट आजकल बन रहा है। इस जमीन की नीलामी से नोएडा अथॉरिटी को रिकॉर्ड 367 करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी मिली। ये देश में सबसे बड़ा स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन था। इतनी बड़ी भूमि का आवंटन हुआ लेकिन कहीं कोई नीलामी या ऑक्शन नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं दी गई। एक लोकल अखबार में उस छपाया गया और पॉन्टी चड्ढा के ग्रुप ने तीन लोगों ने आपस में ही जो है वो कोटेशन भरे और उसमें हाईएस्ट बिड दिखा करके उसको ये जमीन का आवंटन कर दिया गया। मायावती सरकार के दौरान ही पॉन्टी चड्ढा ने कई चीनी मिल अपने नाम कर ली। यूपी सरकार प्रदेश की घाटे में चल रही या फिर बंद हो चुकी चीनी मिलों का विनिवेश कर रही थी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे में प्रदेश सरकार को 1,179,084 करोड़ का नुकसान हुआ। वजह, संपत्ति की कीमतें सरकार ने कमा की। मशीन लगी हुई थी उसको अगर लोहा और कबाड़ मान लिया जाए तो उस कबाड़ के भी कम दाम से पूरी चीनी मिल बेच दी गई। जो जमीन का वहां का सर्किल रेट था, मार्केट रेट नहीं, सर्किल रेट था जो बहुत कम होता है,
उस सर्किल रेट से भी कम दाम के ऊपर पूरी चलती हुई मिल बेच दी गई। एक ऐसी मिल बेची गई जिसका 30 करोड़ रुपया एक साल में लाभ हुआ था और उसको 30 करोड़ में बेच दिया गया। उस समय जब चीनी बेची गई उस समय उनके गोदाम शक्कर से भरे हुए थे और उसमें शीरा भरा हुआ था। वो चीनी मिल जो है पॉन्टी चड्ढा ग्रुप को दे दी गई। उसके बाद जो है उसके किसान से जो गन्ना लिया गया था उसका भुगतान प्रदेश की सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी ने इस मिल सौदे को चुनावी मुद्दा बनाया, कहा सत्ता में आए तो कार्रवाई होगी। पर जब लखनऊ में अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण का मंच सजा तो वीवीआईपी सीटों में पॉन्टी की जगह सुरक्षित थी। विवादों के चलते पॉन्टी वहां नहीं गए, पर उनका बेटा मोंटी अखिलेश सरकार के वीवीआईपीओ के सोफे में बैठा था। वैसे अब इस सौदे की जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई है। पानी और पैसा उसका कोई रंग नहीं होता। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पैसा है पैसा। जब सवाल उठाया गया समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा कि उनको जिस तरीके से पॉन्टी को तमाम जमीन दी गई, नोएडा में सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई, दो नए सेक्टर क्रिएट करे मायावती ने, उसमें क्या क्या अनियमितताएं की गई थी, सरकार का जवाब है, इस समाजवादी पार्टी सरकार का जवाब है कि उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई, उनको जो भी जमीन दी गई बड़े कानून के तहत दी गई। ये पॉन्टी का ही हुनर था कि जितनी खूबी से उन्होंने मुलायम सरकार को साधा वैसे ही माया सरकार को भी। पॉन्टी की यही शैली उनकी ताकत थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पंजाब में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 1999 से शुरू कर दिया था। वैसे मिल सार बहुत थे, अच्छे आदमी थे, श्रूड बिजनेसमैन थे, और ये बिजनेस से नहीं लेकिन ये थोड़ा मनापरी से पैसा कमाते थे और कमाते भी बहुत थे। पॉन्टी की खूबी ये थी कि जिस अकाली नेता गारचा साहब के खिलाफ उसको अकालियों ने ही खड़ा किया था, उसी गारचा के साथ वो कुछ दिनों बाद साझे में शराब का धंधा करने लगा। पॉन्टी चड्ढा ने पंजाब में घुसने के लिए प्रकाश सिंह बादल के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरों का सहारा लिया। वो पंजाब के एक्साइज मंत्री थे। पंजाब में शराब के कारोबार में अकाली दल की मदद से पूरा कब्जा कर लिया, फिर डिस्टिलरी, पेपर मिल और रियल इस्टेट के धंधे में पैर फैलाना शुरू किया। लुधियाना का वेस्ट एंड मॉल, एबी सुगर मिल दसुया, एबी ग्रेन्स स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड गुरदासपुर, वेब ब्रेवरेजेस अमृतसर, अमृतसर क्राउन कैप इसका सबूत आज भी दे रहे हैं। ये जो सरकारी मशीनरी में पॉलिटिकल गवर्नेंस है उसमें जो लोग थे उनका जो दो नंबर की कमाई है उसको अपने कारोबार में लगाता था। तो नेचुरली जो लोग उसके कारोबार में पैसा लगाएंगे तो उसका काम भी करेंगे, वो उनका अपना इंटरेस्ट हो जाता है। 2002 में काली सरकार का पत्ता साफ हो गया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अकालियों के दुश्मन नंबर एक कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। लगा पॉन्टी का पत्ता साफ हो गया, लेकिन सब अनुमान गलत निकले। पॉन्टी ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के बावजूद 2002 से 2006 तक राज्य में शराब के कारोबार में एक छत्र राज बरकरार रखा। पंजाब और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पॉन्टी ने बीजेपी के कब्जे वाले उत्तराखंड में भी अपने व्यापार की जड़ें फैलाई। प्रदेश की निशंक सरकार में उनके रसूख का सबूत है। सुखदेव सिंह नामधारी का प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष बनना, नामधारी पर पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक आपराधिक मुकदमे थे। पूरे उत्तराखंड ने नामधारी की वो तस्वीरें देखी थी जिनमें वो खुलेआम सड़कों पर हथियारबंद लोगों के साथ फायरिंग कर रहे थे। नामधारी मामूली से ट्रक ड्राइवर थे, पर जब पॉन्टी का हाथ सिर पर आया तो नामधारी बड़े पद पर काबिज हो गए। पॉन्टी ने उत्तराखंड में चड्ढा पेपर मिल बनाई, हरिद्वार में वेब मल्टीप्लेक्स बनाया। नामधारी ही उत्तराखंड में उनका बिजनेस देखता और जरूरत पड़ने पर पॉन्टी को बाहुबली मुहैया कराता था। यही नामधारी पॉन्टी के उस गुरिल्ला दल का मुखिया था जिसमें 36 फीटे जवान हथियारों से लैस पॉन्टी के लिए जान पर खेलने को तैयार रहते। पॉन्टी या नामधारी के इशारे पर कहीं भी कुछ भी कर देते। ये पॉन्टी की अपनी पुलिस थी जो गैर कानूनी तरीके से हर कानूनी काम करती। तो यहाँ तक बात होती थी कि सरकारें बनवाने में गिराने में भी उनका हाथ होता था। पिछली बार बात आई थी, एक बार जब बीजेपी के अंदर घबला हो गया था
उसमें ये आया था किसी के पक्ष में 24 थे, किसी के पक्ष में 14 विधायक थे। बाद में हो गया उलट के, कोश्यारी जी के पक्ष में केवल जिनके 24 थे वो 14 ही रह गए। तो उस समय भी था कि भाई पोंटी जी का हाथ उसमें हो सकता है। तो इस तरह से राजनेता चुनाव में पोंटी चड्ढा से फायदा उठाते रहते थे। पोंटी चड्ढा ने अपना रसूख बढ़ाने के लिए पारिवारिक शादियों का भी सहारा लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई हरदीप सिंह चड्ढा की शादी परमजीत सिंह सरना की बेटी से करवा दी। दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधन में बड़ा नाम है परमजीत सिंह सरना। यही नहीं बल्कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो दान धर्म में लगाते, लोगों की मदद करते। पोंटी चड्ढा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई गुरुद्वारों में दिल खोल कर चंदा भी दिया। उन्होंने कम्युनिटी के जो कॉमन पर्पसेस थे, जैसे रकाबगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, वहाँ पर इन चड्ढा परिवार का काफ़ी योगदान है। इन्होंने जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जो सारी कम्युनिटी के काम आता है, वो सारा उसकी सेवा पोंटी चड्ढा ने करवाई। उसके अलावा जो ये मेंटली चैलेंज्ड और हैंडीकैप लोगों के लिए 3-4 इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं ये लोग, वैसे भी कॉमन और कम्युनिटी के लिए काफ़ी योगदान डालते थे। पोंटी ने दिल्ली के आसपास स्कूल भी खोले। ये सब शायद अपनी छवि को बदलने की कोशिशें थीं। यहाँ तक आते आते पोंटी ने अपने बिजनेस का ज्यादातर जिम्मा अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा तू संभाल अब ये सीमेंट पत्थर का काम, मेरा काम सिर्फ जमीनें लाना है, ये इमारतें अब तू बना। पर 2012 में पोंटी के समीकरण कुछ बिगड़ गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनके वेब इंक पर आयकर के छापे पड़े, पर सब भौचक्के रह गए क्योंकि पोंटी की तिजोरियों में इनकम टैक्स वालों को कुछ नहीं मिला। ब्रेक के बाद, क्यों खाली रहती थी पोंटी की तिजोरियां? एक दिन सारी जमीन अपनी हुई। इन इरादों से बने साम्राज्य पर इनकम टैक्स की नजर 2012 में पड़ी। पोंटी के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स के छापे पड़े। चारों ओर खलबली मच गई। पोंटी चड्ढा दुबई में थे। आयकर वालों ने खास तौर पर कारीगर बुलाए तिजोरियां खोलने के लिए, पर आखिरकार उन्हें काटना पड़ा। पर अंदर से निकली रकम सबको चौंका गई। नोएडा, मुरादाबाद, दिल्ली के घरों और ऑफिस में पड़े छापे में इनकम टैक्स विभाग को कुछ ऐसा नहीं मिला कि पोंटी फंस जाते। ऐसा क्यों हुआ, लोगों के मन में ये एक बड़ा सवाल है। कहते हैं कि छापों से करीब 10 दिन पहले पोंटी चड्ढा को कई जगहों से इस बारे में जानकारी मिल गई थी। जी हाँ, पूरे 10 दिन पहले। और इस बारे में जानकारी मिलते ही हर वो सबूत मिटा दिया गया जो इनकम टैक्स के हाथ पोंटी चड्ढा के दामन तक पहुंचा देते। और इस काम को अंजाम दिया पोंटी चड्ढा की प्राइवेट विजिलेंस टीम ने। जी हाँ, कहते हैं कि वेब इंक में पोंटी चड्ढा ने दर्जनों लोगों की विजिलेंस टीम बना रखी थी जिसका काम पोंटी चड्ढा के कारोबार की कमियों को छिपाना था। यह टीम बराबर छापेमारी करती थी और हर जगह से कंप्यूटर हो, चाहे वो कागज हो या फिर तिजोरी, हर वो सबूत मिटा दिया जाता था जो उसके कारोबार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पोंटी अपनी निजी जिंदगी में रिश्तों को लेकर भी इतने ही सतर्क थे। वो हर रिश्ते को बड़े जतन से पालते पोसते थे। परिवार के बाहर भी ऐसे तमाम लोग थे जिनका दावा था कि पोंटी उन्हें अपने बेटे भाई की तरह मानते हैं। बताते हैं कि पोंटी को अच्छे कपड़े पहनने, महंगी और बड़ी गाड़ियों, शानदार महलनुमा घरों का शौक था। वो विदेश यात्राओं पर भी अक्सर जाते थे। बेटी की शादी इन्होंने दुबई से करी और वहाँ पे बड़े बड़े नेता पहुँचे यहाँ से, और हर एक पार्टी के, विभिन्न पार्टियों के नेता पहुँचे। बहुत अच्छे गाड़ियों के शौकीन थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है हर गाड़ी का नंबर 0003 रखते थे। महंगे तोहफे देना भी पोंटी की आदत थी। कुछ लोग इसे उनकी बिजनेस स्टाइल मानते थे। इस दिवाली भी उन्होंने काफ़ी महंगे तोहफे लोगों के घर भिजवाए थे। असली शौक जिसे कहेंगे, जो था और जिसमें कि बहुत सक्सीड किया उसने, वो था बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े अफसरों को पालना। ब्रेक के बाद, पोंटी के बाद मोंटी।
जिस फार्म हाउस को पॉन्टी ने बड़ी हसरत से बनाया था उसको बेचने की कोशिश, या फिर भाई हरदीप की चिढ़, या फिर भाई के साथ पॉन्टी का बुरा बर्ताव, या किसी तीसरे की बड़ी साजिश, जिंदगी के इस पड़ाव में पॉन्टी का गणित शायद गड़बड़ हो गया। जिहड़ी चीज तुहाडी है तुसी जो मर्जी करो, एदे फार्म हाउस ते एक्शन की लेना और बेचना जां कुछ भी करना मेरी जिम्मेवारी है ना। रिश्तों के अंक गणित से अपने मुनाफे का पहाड़ा चलाने वाले पॉन्टी निजी रिश्तों की गुत्थी में ही उलझ गए। ये फार्म हाउस मेरा, मैं इसे रखूं या मैं इसे आग लगाऊं, मेरी मर्जी। अरे रुक, दोनों भाई बैठ के फैसला कर लेंगे। हर गुजरते दिन के साथ पॉन्टी डबल मर्डर में एक नई साजिश सामने आती है, पर पॉन्टी का बनाया कुनबा बहुत मजबूत हो गया है। हरदीप और पॉन्टी के बेटे एक साथ खड़े थे गुरुद्वारे में रस्म पगड़ी के रोज। ये एकता कुछ कहती है, शायद ये कि परिवार इस बड़ी त्रासदी का असली सच जानता है, और तभी वो एक है आने वाले खतरे से बचने के लिए। पॉन्टी अब इस दुनिया में नहीं है।